उप जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। मिट्टी की परमिशन के नाम पर नदी से उठाते थे शिल्ट। वहीं उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने मिट्टी माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए कहा कि अब नदियों के किनारे मिट्टी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे मिट्टी खनन माफियाओं को तगड़ा झटका लगा है। 3 दिन पूर्व उप जिलाधिकारी ने ग्राम तुरका तिसौर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी थी। उनकी जांच की गई तो उनमें कैलाश नदी की सिल्ट पाई गई। SDM ने वाहन कब्जे में ले लिए। बाद में पता चला कि ग्रामीण ने नदी के किनारे के खेत से मिट्टी खनन की अनुमति ली थी। उसी खनन के नाम पर नदी से सिल्ट निकाली जा रही थी। मामले में 3 लोग प्रकाश में आए थे। बाद में SDM ने सिल्ट खनन की नाप जोख कराई। बताया गया कि उसके आधार पर आरोपियों से जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर उनके खिलाफ मुकदमा भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब भविष्य में नदियों के किनारे के खेलों से मिट्टी के खनन की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। प्रशासन कड़े रुख से मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। परमिशन हुई थी, वो नदी से 400-500 मीटर दूर था, तो उनको परमिशन वहाँ पर की दी गई थी मिट्टी खनन के लिए। लेकिन जब परसों में क्षेत्र में भ्रमण में थी तो मुझे ये एक ट्रक जब रोक के मैंने ट्रॉली की चेकिंग की तो उसमें भरी हुई थी सिल्ट नदी के किनारे की जो होती है। तो जब उनसे कागज़ मांगे गए तो उनके द्वारा मिट्टी की परमिशन के कागज़ दिखाए गए, तो उस पर शक होने पर मेरे द्वारा फिर मौके पर जाकर चेक किया गया संबंधित जहाँ से वो मिट्टी खनन करके लाई जा रही थी। तो वहाँ पर देखा गया कि नदी के बगल में ही कुछ व्यक्ति द्वारा खनन किया जा रहा है। जब लेबर से पूछा गया तो उनके द्वारा सुखदेव लखा और अशरफ, ये भगौरी और तुरकती दौर के निवासी हैं, उनके नाम बताए गए। तो उसके बाद फिर खान विभाग की टीम और आयुष विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से वहाँ पर चेकिंग की। वहाँ पर नाप जोख की गई जो खनन जिस एरिया में किया गया था, तो उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 441 घन मीटर टोटल सिल्ट का वहाँ पर खनन हुआ है। तो उसमें हमने अब जांच रिपोर्ट बना के उसमें फाइन के लिए DM साहब को हम उसको भेज रहे थे। 441 घन मीटर की जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार ही कैलकुलेट हुआ रजिस्टर का, और अधिकतम का जो है वो DM साहब के तस्वीर में नजर आ रहा है। इस संबंध में DM साहब के भी निर्देश अभी समस्त CEOs के लिए और ARTOs के लिए जारी हुए हैं कि कोई भी वाहन ऐसा ना हो जो बिना नंबर प्लेट के चले। हम लोग भी अब खुद जब चेकिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि उस पर वही नंबर हो और उस नंबर जिस पर रजिस्ट्रेशन है उसे वही चेचिस नंबर भी पड़ा हो। तो इस प्रकार से हम लोग उन्हें चेक करते रहते हैं, और जो भी इस प्रकार के अवैध खनन में है तो उस पर FIR भी करवाई जाती है, और जो पेनल्टी की कार्रवाई होती है वो भी अलग से की जा रही है। तो उसमें रिपोर्ट भेज रहे हैं और FIR भी उनके खिलाफ कराई जा रही है।